धनबाद में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जेएमएम जिला की नई कमेटी की घोषणा कर दी गई। आज धनबाद के रणधीर चौक पर जेएमएम के नए जिला अध्यक्ष और नई कमेटी का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल माला आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। वहीं नए जिला अध्यक्ष सचिव के स्वागत कार्यक्रम में गुटबाजी देखने को मिली। पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुंडू पवन महतो इस कार्यक्रम से दूरी बनाते दिखे। बता दें कि पुरानी कमेटी को भंग कर दिए जाने के बाद जिला में कोऑर्डिनेशनल कमेटी ही सभी कार्य देख रही थी। आज करीब 3 महीने बाद नए जिला अध्यक्ष की घोषणा होते कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। वहीं नए जिला अध्यक्ष ने कहा 2024 में विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। संयोग मंडली पूरा धनबाद जिला पूरा पत्रकार बंधु को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सभी को बधाई। आज ये कमेटी बनी है माननीय दिसंबर शिवसरण के निर्देशानुसार माननीय हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार माननीय पांडे जी विनोद पांडे जी के दिशा निर्देश अनुसार ये पार्टी का जो विस्तार किया गया है। हम लोग उम्मीद जगाते हैं कि ये पार्टी धनबाद जिला में बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगी। जहाँ तक जेएमएम की बात है, आज आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि 6 विधानसभा में हम लोग बहुत जोरदार से प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग का एक टास्क भी मिला है, सदस्यता अभियान 50 लाख बनाने का, जिसमें हम लोग के हिस्से धनबाद जिला से जो आएगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग का टीम एनर्जेटिक है, पूरा नौजवान है। उपाध्यक्ष के रूप में हमारे मुकेश जी हैं, सचिव हमारे मनु आलम जी हैं, इधर तिवाड़ी जी है तपन तिवाड़ी जी। हमको बड़ी खुशी है ये जिम्मेवारी हमको मिला और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड में एक मिसाल बनेगा कि धनबाद जो कमेटी बनी है पूरा अपना दमखम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करेगा। यही उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ पूरा सहयोग जनता को मिलना चाहिए। हमें जो पुनः जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, जो केंद्रीय नेतृत्व हमारे को जो खरा विश्वास करके जो पद दिया है उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और सबसे पहले मैं माननीय गुरु जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय विनोद पांडे जी और जो संयोजक मंडली यहाँ का है, जो हम लोग को भार दिए हैं, जो पद दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और उनको चरण स्पर्श पाटा जा रहा है इसका उद्देश्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 माह से धनबाद जिला में जो हमारे अध्यक्ष और सचिव को पदमुक्त कर दिया गया था, उसके बाद एक संयोजक मंडली बनाई गई थी। कल केंद्र ने जिला अध्यक्ष के रूप में लक्की सोरेन और सचिव के रूप में मन्नू आलम जी को मनोनीत किया है। साथ ही उपाध्यक्ष, संगठन सचिव एवं अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त हुए। आज इसी सिलसिले में हम लोग खुशी मनाने गांधी जी की प्रतिमा के नीचे माल्यार्पण करने के उपरांत आज कर रहे हैं और इसी के लिए आज कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं जोश है, जुनून है। आशा है कि 24 में लोकसभा और विधानसभा दोनों में महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा और